हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्री सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप भाइयों के लिए एक फ्री सर्वर लेके आया हूँ। ये अभी चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल फ्री चल रहा है। तो ये फुल फ्री नहीं है, लेकिन इसमें कुछ मॉडल फ्री हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें कोई फिलहाल आपको क्रेडिट वगैरह नहीं लगाने हैं, फ्री में ओपन हो जाएगा, फ्री में चलेगा, ठीक है। कुछ ये फ्री चलता है, कुछ ये पेड भी है, क्रेडिट भी मांगता है, ठीक है। तो ओपन वगैरह ये बिल्कुल फ्री में होता है। तो हम क्या करेंगे, जितना फ्री में यूज होता है उतना ही यूज करेंगे, ठीक है। तो इस टूल का अकाउंट वगैरह रजिस्टर करना मैं आपको इस वीडियोस में सिखा देता हूँ, और ये डाउनलोड करके भी आप भाइयों को दिखाऊंगा सब कुछ। इसकी जो सेटिंग है ना, मैं आप भाइयों को बता दूंगा। तो वीडियोस थोड़ी वॉच कर लेना, ठीक है। वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेरे चैनल पे न्यू आया है भाई, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दें, तो आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये टूल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। ये इंटरनेट आपके पीसी में होना चाहिए इसको ओपन करने के लिए, ठीक है। ये टूल मैंने डाउनलोड करके रखा है, अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। आपके सामने ये एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये दूसरी फाइल बन के आ गई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको हम ले आएंगे इधर, ये आपके सामने फाइल रखी है मैंने, तो इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यस करेंगे, अब थोड़ा सा हम वेट करेंगे, तो ये लोडिंग कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, तो दोस्तों ये टूल जो है ओपन हो चुका है, ठीक है। अब ये मैंने ऑलरेडी अकाउंट रजिस्टर्ड किया हुआ है, ठीक है, आपके सामने पड़ा हुआ है, ये अकाउंट मैंने रजिस्टर्ड किया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा अकाउंट जो है बनाता हूँ, ठीक है। इस पे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये टूल ओपन हो जाता है, लेकिन आप भाइयों से ऐसे ओपन नहीं होगा, तो मैं आपको रजिस्टर करके इसका अकाउंट जो है दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ हम क्लिक करेंगे, अब इसका न्यू अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें यूजर नेम लगाना है, ठीक है। आपको यूजर नेम यहाँ लिख लेना है अपना, तो कोई भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ ईमेल एड्रेस दे देना है, उसके बाद यहाँ पासवर्ड क्रिएट करना है। अभी मैं आपके सामने कर लेता हूँ, ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ लगा के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसमें मैंने सब कुछ लगा लिया है आपके सामने, ठीक है। पहले नंबर पे ये यूजर नेम मैंने टाइप कर लिया, उसके बाद ये ईमेल एड्रेस दे दिया, उसके बाद ये पासवर्ड लगा लिया है, ठीक है, आपके सामने। अब हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं ये सक्सेसफुल रजिस्टर होता है या नहीं होता है। तो ये आपके सामने ये सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको बैक कर देंगे, बिल्कुल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये यहाँ से अपनी जीमेल जो है कॉपी कर लेनी है, ठीक है, आपको तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो ये मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसको हटा देता हूँ और ये वाला अकाउंट जो है ये लगाता हूँ, ठीक है, तो आप भाइयों का डाउट जो है क्लियर हो जाए। अभी मैंने ये सारा कुछ हटा दिया है, अब वो जीमेल हम लगा लेंगे इस जगह पे, उसके बाद पासवर्ड लगाएंगे, ठीक है। जो मैंने पासवर्ड अपने हिसाब से क्रिएट किया है वही लगा लेता हूँ, आपको अपने हिसाब से पासवर्ड बना लेना है, ठीक है। ये मैंने अपना पासवर्ड लगा लिया, उसके बाद मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब ये मॉडल दिए हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हो, किसी एक मॉडल पे मैं क्लिक करता हूँ, ये फेल दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा मोबाइल लगा हुआ नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसको छोड़ देना है, उसके बाद हम सैमसंग पे क्लिक करेंगे, और ये सैमसंग पे आप देख सकते हो, सैमसंग में हम सिर्फ अच्छी बात ये है कि भाई इसमें F4P इजीली बाईपास कर लेते हैं। यहाँ क्लिक करें F4P के ऊपर, और ये आपके सामने अब वेटिंग फॉर डिवाइस बोल रहा है, तो इसमें कोई भी अपना मोबाइल कनेक्ट नहीं है, ठीक है, मोबाइल कनेक्ट होना चाहिए, तो अभी कोई भी मोबाइल ऐसा कनेक्ट नहीं है।
उसके बाद हम चेक करेंगे ओप्पो मोबाइल में, ठीक है। तो यहाँ क्लिक करेंगे, अभी ये देख सकते हो ओप्पो में ये क्रेडिट मांग रहा है, ठीक है। आपके सामने ये तकरीबन 8 क्रेडिट मांग रहा है। देखो जब क्रेडिट की इसको ज़रूरत होगी, जिस चीज़ में ये क्रेडिट मांगेगा, तो उसके लिए ये आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम कट कर देंगे, इसमें कोई हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम रेडमी में जाएंगे स्वामी के ऊपर, तो इसमें देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ सर्विस पे क्लिक करते हैं और ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसके जो भी फीचर दिए हुए हैं ये ज़्यादातर एडियल पॉइंट से होते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने है, और रियलमी भी देख लेते हैं, ठीक है। रियलमी में देखेंगे हम रियलमी में क्या क्या कर सकते हैं। अब ये देखते हैं क्या बोलते हैं, इसमें ये 2 क्रेडिट मांग रहा है, ठीक है, 2 क्रेडिट मांग रहा है। उसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे, ये क्या बोलता है, इसमें भी 2 क्रेडिट मांग रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये टूल फिलहाल फ्री में चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपको मैं ये नहीं बोल सकता कि ये लाइफ टाइम फ्री चलेगा, ठीक है। अभी फिलहाल तो कुछ इसमें सपोर्टेड जो चीज़ें हैं वो कुछ फ्री चल रहा है, ठीक है, लेकिन जिस जगह पे क्रेडिट मांग रहा है वो आपको मैंने दिखा दिया है, जिस जगह पे क्रेडिट मांग रहा है, ठीक है। तो अभी फ्री चल रहा है, लेकिन इसकी अपडेट भी आ सकती है, ये पेड हो सकता है। तो बाद में ऐसे नहीं बोलना कि भाई ये तो पेड है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना, क्योंकि ये एक सर्वर है, फिलहाल ऑनलाइन चल रहा है। तो देखो कोई चीज़ ऑनलाइन चलती है ना, तो उसकी अपडेट आती रहती है, तो वो कभी ना कभी पेड हो सकती है, बंद भी हो सकती है, तो ऐसा सीन आता रहता है, ठीक है। तो अभी ये मैंने कुछ चलाना आपको सिखा दिया है, अब मैं क्या करता हूँ ये डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ, और इसमें मॉडल वगैरह क्या क्या सपोर्टेड है और कौन से CPU इसमें दिए हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, और इसका नेम वगैरह मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका नेम जो है फोनेक्स सर्विस है, ठीक है, आपके सामने मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब चले जाएंगे हम किसी भी ब्राउज़र में, ठीक है, इंटरनेट ब्राउज़र में, या हम पेस्ट कर देंगे। तो ये पहले नंबर पे वेबसाइट आ रही है, ठीक है, ये आपके सामने है, पहले नंबर पे वेबसाइट आ चुकी है। तो यहाँ क्लिक करेंगे हम, स्क्रॉल डाउन करते हुए हम नीचे जाएंगे, तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, ठीक है। यहाँ से आप ये टूल का सेटअप जो है यहाँ क्लिक करो, ऑन क्लिक में डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा दूँ इसका कुछ इन्फॉर्मेशन, तो स्क्रॉल डाउन करते हुए हम नीचे चले जाएंगे, तो ये आप देख सकते हो इसमें जो CPU वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो ऑल नोकिया के लिए बोल रहे हैं, और इसमें CPU है MediaTek SPD और कोलकम भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपके सामने है, ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है, कोलकम भी कर सकते हो इसमें FOP बाईपास, ठीक है। ज़्यादातर इसमें FOP बाईपास होती है, नोकिया मोबाइल को फैक्ट्री रिसेट के लिए ऑप्शन है, बाकी इसमें FOP होती है, और ख़ास ये सैमसंग मोबाइल के लिए है, ठीक है मेरे भाई, तो ये ज़्यादातर सैमसंग में वर्क करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।